फिर एक बार ईडी ने किया सीएम सोरेन को समन। पिछले काफी समय से ईडी झारखंड के राज्य की राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले की जांच कर रही है, जिसके चलते अब ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन जारी कर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या है जमीन घोटाला और इससे जुड़ा पूरा मामला? ईडी ने रांची के चेहसार होम रोड स्थित 1 एकड़ और सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री मामले में 13 अप्रैल को रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हाजिरबाग और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कुल 24 ठिकानों पर छापा मारा था। दरअसल इस घोटाले के केंद्र में फर्जी कागजात है, जिसके आधार पर जमीन की खरीद बिक्री की गई। ईडी ने छापेमारी के दौरान जमीन घोटाले से जुड़े हुए काफी दस्तावेज प्राप्त हुए थे। छापेमारी में भानु प्रताप प्रसाद के घर से सरकारी जमीन के दर्जनों कागजात मिले थे। छापेमारी में ईडी को पता चला कि कैसे भूमाफिया और बड़े लोगों की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन की फर्जी कागजातों के आधार पर खरीद बिक्री हुई। इस केस की जांच कर रही ईडी बारी बारी सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके चलते इसी साल 4 मई को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी भी की गई थी। छवि रंजन के साथ साथ ईडी ने झारखंड जमीन घोटाले मामले में अब तक कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, यूनिक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बरगे आंचल को भानु प्रसाद सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में पूर्व से ही खाना घोटाला केस में बंद लाइसेंस प्रेम प्रकाश से भी पूछताछ की जा चुकी है। विष्णु अग्रवाल की रिमांड भी 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। हाल ही में पूछताछ के दौरान समक्ष आया कि कुछ बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के नाम भी लिए गए थे। इसके बाद अब तक ईडी की जांच जारी है। बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन मिला हो। ये दूसरी बार ईडी ने मुख्यमंत्री सोरेन को समन जारी किया है। इससे पहले शहीगंज में 1000 करोड़ रुपए में अवैध खनन मामले में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ करी थी। अब आने वाले दिन 14 अगस्त को देखना होगा कि कितनी देर तक ईडी की पूछताछ मुख्यमंत्री के साथ चलती है और क्या बड़ी बातें या खुलासा होता है, या फिर क्या एक्शन हेमंत सोरेन के खिलाफ लिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी समन के दौरान उनकी सदस्यता जाने और अरेस्ट होने की बातें की गई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।